जमीन पर बैठकर विलाप करती ये महिलाएं, इन्हीं के पास घूम रहे ये पुलिस वाले और बिस्तर पर कपड़े से ढका पड़ा शव। ये वीडियो है जौनपुर के जमदार गांव का, जहां रात के समय कमरे में सो रही युवती के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके परिजनों पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा और हंसता खेलता परिवार मातम के गम में डूब गया। क्योंकि इसके पीछे एक तरफा प्यार है जिसकी ताकत दिखाने के चक्कर में एक लड़का अब कातिल बन चुका है। बता दें कि जमदार गांव निवासी लालमणि, जो कि रोजगार के लिए मुंबई में रहते हैं, और उनका परिवार गांव के घर में पत्नी और बेटी और बेटियों के साथ रहता है। रविवार की रात्रि पुत्री प्रियंका, जिसकी उम्र 20 साल है, हर दिन की तरह वो खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई, तो वहीं माँ और दोनों भाई बरामदे में सो गए। लेकिन जब सुबह प्रियंका काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो परिवार के लोग उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गए। कमरा अंदर से बंद होने पर उसके भाई ने किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो उसने जो देखा वो देखकर सन्न रह गया, क्योंकि उसके सामने कमरे में प्रियंका का शव खून से लथपथ पड़ा था और कमरे की चारों दीवारों पर हर जगह खून के छींटे फैले हुए थे और प्रियंका की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया हुआ था। ये देख भाई जोर से चिल्लाया, साथ में उसकी माँ की भी चीख निकली कि उसकी बेटी के साथ ये कैसे हुआ और किसने किया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी वहां जुट गए, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस की शिकायत में मृतिका प्रियंका की मां ने सगे भांजे गौरी शंकर पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका की मां का कहना है कि एक तरफा प्यार में वो प्रियंका से शादी करना चाहता था और एक सप्ताह पहले ही उसने शादी ना करने पर जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी और ये उसी का किया कराया है। उसने एक तरफा प्यार में मेरी बेटी की जान ले ली। एक तरफा प्यार की ताकत जिसने आज प्रियंका की जान ले ली, वैसे प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार में किसी का कातिल बन जाना जरूर ही गुनाह है और इसकी सजा गुनहगार को अब मिलेगी ही, क्योंकि ऐसा वादा जौनपुर पुलिस कर रही है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी खास खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद। दिनांक 17/5/2021 को ग्राम जंदरा थाना सरपताह से एक युवती की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में मौके पर जाकर मृत युवती की माँ के द्वारा जानकारी दी गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने दो बेटों के साथ घर के बाहर रात में सो रही थी और उसकी बेटी घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो रही थी। सुबह जब खटखटाने पर बेटी के द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो किसी तरह बेटा ऊपर से अंदर गया और जब सभी लोग अंदर जाकर देखे तो बेटी मृत अवस्था में पाई गई। उसके गले पर धारदार हथियार के निशान थे। उक्त घटना के संबंध में पीड़ित महिला के द्वारा अपने ही सगे भांजे के विरुद्ध नामजद तहरीर देते हुए बताया गया कि उसके भांजे के द्वारा ही रंजिशन ऐसा किया गया है। तहरीर के आधार पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।